नमस्कार, फर्स्ट बाइट डॉट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। मेरठ के पीवीएस मॉल में शुक्रवार को सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे मॉल और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरे शहर में आधा दर्जन जगहों पर एक साथ कहीं हूटर बजती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थीं, कहीं एम्बुलेंस और साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। ये मंजर देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लेकिन असल में ना तो कोई भूकंप आया था ना कहीं आगजनी हुई थी, बल्कि भविष्य में शहर में इस तरह के हालात पैदा होने पर बचाव किस तरह किया जाएगा इसके लिए प्रशासन द्वारा मॉकड्रिल का इंतजाम किया गया था। ये पता चलने के बाद शहर के लोगों ने राहत की सांस ली। शहर में शुक्रवार सुबह 10:32 पर भूकंप का अलर्ट जारी हुआ। एनडीआरएफ की टीम शहर के अलग अलग स्थानों पर बचाव और राहत कार्य के लिए पहुंची। चारों तरफ पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीम को देखकर शहर के लोग हैरान थे। सभी को खतरे की घंटी सुनाई पड़ी तो लोग परेशान हो गए, लेकिन ये एक मॉकड्रिल थी ये सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली। ये नजारा था पीवीएस मॉल का, जहां पर भूकंप के हालातों में किस तरह से बचाव को अंजाम दिया जाएगा इसकी प्रैक्टिस की गई। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता प्रेरणा तलवार। जो यहाँ पे ये मॉक प्रैक्टिस चल रही है, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, विस्तार से बताइए। इसमें जो हमारे आज मॉक ड्रिल हो रही है, भूकंप के बारे में हमारा खास टारगेट है कि भूकंप अगर आ जाए तो कैसे यहाँ कैजुअल्टी को बचाया जाए, किस किस तरह लाया जा सकता है, ये इसका हम यहाँ पे डेमो दे रहे हैं आज। और ये आज डेमो 3 स्टेट यूपी, दिल्ली और हरियाणा, 14 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ हो रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस वक्त। ये तो था कि आपकी टीम कैसे हैंडल करेगी कि यहाँ पर अगर इस तरीके की कोई घटना होती है। दूसरा, लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके का अगर यहाँ पे कुछ घटना होती है तो उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उस बारे में? लोगों को अपने सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, एकदम उन्हें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। अगर उन्हें थोड़ा सा संयम रखें और चीज़ों के बारे में अवेयर रहें तो वो अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। दूसरा, हम आपसे पूछेंगे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन में हो सकता है देरी हो जाए, तो क्या उसका प्रोसीजर होगा कि आप कितनी देर में आ पाएंगे, कौन आपको इन्फॉर्म करेगा और कितने लोगों की टीम यहाँ पर आएगी इस तरीके? ये ऐसा होता है, मेरठ में हमारे 6 डिवीज़न हैं। अगर सपोज शास्त्री नगर में ही कोई काम हो जाता है तो हमारी शास्त्री नगर डिवीज़न की जो हमारे डिवीज़न वार्डन होते हैं उनके पास मैसेज जाता है और फिर वो मैसेज सारे में फ्लैश हो जाता है, जिससे वार्डन तैयार होके उस जगह प्रॉपर पहुंच जाते हैं जहाँ पे दुर्घटना होती है, और जाके आपका सबको पता है कहाँ किसको क्या करना है, तो सब अपने काम पे जाके लग जाते हैं। तो अब बताइए, अभी जितनी भी देर से प्रैक्टिस हुई है उसमें क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखा है? जैसे अभी हम देख रहे थे यहाँ पे कि बॉम्ब स्क्वाड वगैरह थे कि वो ध्यान रख रहे थे। दूसरा, कि पेशेंट को आपने प्रैक्टिस किया कि कैसे एम्बुलेंस तक पहुँचाया जाएगा, तो आप बताइए कि क्या क्या स्टेप्स अभी फॉलो हो चुके हैं? अभी जो हमने यहाँ से विक्टिम थे, इसको चोट लग गई, इसको हमारी जो कमेटी के मेंबर हैं, सेक्टर वार्डन है, वार्डन हैं, उनको ढूंढा और सर्च करके उनको जो हमने फर्स्ट एड दे के फर्स्ट एड तक पहुंचाया है ना, जिससे उनको जैसे ज़्यादा चोट होगी तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा और जो कम चोट होगी तो उसको दवाई दे के तुरंत रिलीव कर दिया जाएगा। तो डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर कैंप की क्या फैसिलिटी है आपके पास? अगर हाँ, हमारे पास जो है CMO की तरफ से वहाँ पर स्टाफ बैठा हुआ है, डॉक्टर्स हैं और वहाँ के जो कंपाउंड वगैरह हैं, मेडिसिन भी हैं। यदि थोड़ी दवाई होगी, थोड़ा पेशेंट को थोड़ी परेशानी होगी तो उसको दवाई देकर छुट्टी कर जाएगी, अदरवाइज एम्बुलेंस द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज या पैरा अस्पताल जो वहाँ को पहुँचा दिया जाएगा। ये हमारा सुविधा है और हमारे जो वार्डन्स हैं शास्त्री नगर डिवीजन के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार कर रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं SDRF की टीम के साथ में, और हम चाहते हैं कि इनके भविष्य उज्जवल हो। भूकंप के हालातों में NDRF की टीम ने भी प्रभावित जगहों पर कैजुअल्टीज का पता लगाया और घायलों को मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार केंद्र तक पहुंचाया। जिन घायलों की हालत तो ज़्यादा गंभीर थी उन्हें एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। उसमें भी ये तो बिल्डिंग गिर जाती है, उसके बाद हमारा फिर उसमें सारा काम शुरू होता है, तो इसमें जो हमारा विक्टिम दबा होता है कहीं पे वो मतलब वो आवाज़ उसकी नींद में समझ में आती है, तो हमारे पास जो इक्विपमेंट है नए उसके थ्रू हम उसको सर्च करते हैं, जिसमें हमारा लाइन सर्च किया गया और मतलब VLC हमारे पास जो इक्विपमेंट है जो विक्टिम लोकेटर कैमरा का रहता है, तो उसके थ्रू हमने सर्च किया तो जिसमें हमारे 8 विक्टिम मिले, जिसमें से मतलब 8-7 घायल हैं और 1 डेड बॉडीज है मतलब। तो
इसको आपने कैसे मैनेज किया? आपने पहले लोगों को वहाँ छुपाया, फिर उस इक्विपमेंट में कोई कमी तो नहीं है कि टेक्निकल कोई कमी ऐसी आ जाए कि एंड मोमेंट पे वो काम करना बंद कर दे, तो ये प्रैक्टिस आपने कैसे फॉलो? नहीं मैम, ये सब चीज़ें चूंकि हमें पहले से बताया जाता है तो हम इसको टाइम टू टाइम इस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं और कोई भी इसमें कमी होती है उसको हम दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। मतलब इस वक्त तो कोई कमी आपके सामने नहीं है? नहीं नहीं, फिलहाल कोई कमी नहीं आई है और सब कुछ जो भी इक्विपमेंट थे हमारे प्रॉपर काम कर रहे थे। मतलब और जो हमारे ये आप लड़के देख रहे हैं सब बहुत एक्सपर्ट हैं, इनको भी मतलब हर महीने में रिफ्रेशर कोर्स टाइप का कराते रहते हैं ताकि इन्हें कहीं भी इससे भी बुरी कंडीशन अगर मिलती है तो उस कंडीशन में भी ये काम करने तैयार रहेंगे। मतलब तो आप बताइए, आप जब मैंने देखा उधर पूरा बॉम्बिंग वगैरह ढूंढने की जो प्रैक्टिस की जा रही थी, तो इस बीच कोई ऐसी चीज़ें हुई जो आपने डिस्कवर किया हो कि ये चीज़ अगर हमने छोड़ दी तो बात बढ़ सकती है, तो ऐसी क्या क्या कमियां रही या फिर क्या? पर देखा गया कि कुछ मलवा टाइप का रुका हुआ था जो कि अटका हुआ था जिसे हमें हटाना पड़ा। अगर हम उसे पहले नहीं हटाते अपने लड़के लगा के तो वो किसी के ऊपर गिर सकता था, कैजुअल्टी हो सकती है, हमारे ऊपर खुद के ऊपर गिर सकता था। तो हमारी प्राथमिकता यही होती है कि हम पहले वो मलवा हटाएँ जिससे कि हमें कोई कैजुअल्टी ना हो, और उसके बाद हमने एक एक बंदे को ढूँढा अपने BLC कैमरे से, लाइन सर्च किया, उसके बाद हमने एक डेड बॉडी मिली है हमको, बाकी 7 बॉडी मिली हैं और कंडीशन सबकी लगभग नॉर्मल ही थी। 2 अनकॉन्शियस थे जिन्हें रिफर कर दिया गया है हॉस्पिटल के लिए, बाकी बस। भूकंप की मॉकड्रिल की जगह पर NCC कैडेट्स भी मौजूद थे जिनमें खासा जोश देखने को मिला। मॉकड्रिल को योजनाबद्ध तरीके से होता देख उन्होंने भी सीखा कि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। जी अगर कुछ घटना हो जाती है तो हम मदद कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो अगर यहाँ कोई पुलिस नहीं है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, तब जाके उनके जब वे आएंगे तब उनके साथ हम करेंगे। डर के भाग तो नहीं जाएगा आपने? नहीं, कोई नहीं भागने का, हम में से कोई नहीं भागने की होगा, वो करेंगे जो हम कर सकते हैं सब करेंगे। मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं करूँगा। ना ना इनते ही बोल दो, मेरे पास कहीं ना जाए। आप क्या करोगे यहाँ पे अगर ऐसी कोई घटना हो जाए? मदद करेंगे इनकी सबकी। सेना की ओर से गढ़वाल राइफल्स ने भी मॉकड्रिल में सहयोग किया। सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स के 4 अफसर, 8 GCO और 39 अन्य जवान भी इस मॉकड्रिल में शामिल हुए। उन्होंने भी 5 जगहों पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला। इसके अलावा बचत भवन में बने कंट्रोल रूम में सेना के अफसर जिलाधिकारी अनिल ढींगरा के साथ पल पल की रिपोर्ट लेते रहे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट न्यूज।